पौड़ी में काश्तकारों की मेहनत कोरोना काल के बावजूद खेतों में आखिर कितनी रंग लाई, इसका आंकलन अब फसल कटाई के दौरान गेहूं उत्पादन का माप तोल कर किया जाएगा। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग टीम मिलकर इन दिनों फसल कटाई का निरीक्षण कर रही है, जिससे जिले भर में गेहूं उत्पादन का संपूर्ण डेटा तैयार किया जा सके और जिले की प्रोग्रेस का पता भी लगाया जा सके। फसल कटाई का निरीक्षण खुद पौड़ी के जिलाधिकारी भी कई खेतों में पहुँच कर रहे हैं। पैडुल सुपट्टी में अयाल गांव में हमने आज जो है क्रॉप कटिंग का कार्रवाई संपन्न किया है और ऐप के माध्यम से सभी डेटा को हमने क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट्स में जितना डेटा प्राप्त हुआ है उतना फीड किया है। 6x5 मीटर का जो क्षेत्रफल में कितना उत्पादन होता है उसका हमने आज आकलन किया है और जो आज के खेत जो भूमिधर थे उनके खेत में 6x5 मीटर के क्षेत्रफल में 11 किलो 820 ग्राम का हमको वजन प्राप्त हुआ है। और भी बहुत सारे खेतों में हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। क्रॉप कटिंग का जो लाभ होता है, कभी क्षेत्र में उत्पादन जब कम हो जाता है तो शासन को इसी आंकड़ों के आधार पर अपनी नीति बनाने में सहायता प्राप्त होती है। मैंने सभी से अधिकारियों को क्षेत्र बांट रखा है, सभी क्षेत्र अधिकारी अपने अपने SDM तहसीलदार और कानून को अपने अपने क्षेत्र में जाकर ये क्रॉप कटिंग कार्रवाई संपन्न कराएंगे। सभी तहसीलों में कार्रवाई की जा रही है और जब इसका डेटा संकलित किया जाएगा इसके आधार पर क्षेत्र में पैदावार में कितना कमी आया है या कितना उत्पादन जो है बाधित हुआ इस वर्ष के मौसम के कारणों की वजह से, उसका आकलन इससे होगा और हो सकता है भविष्य में इसी आधार पर कोई योजना भी शासन द्वारा स्वीकृत करके कृषकों को लाभ दिया जा सकता है। जिले के जिन जिन खेतों में गेहूं की फसल लगाई गई थी उन खेतों की नपत कर फसल कटाई के जरिए गेहूं उत्पादन का संपूर्ण डेटा तैयार किया जा रहा है। जिले के संपूर्ण डेटा को जुटाए जाने के बाद पूरा डेटा को शासन को एक ऐप के जरिए भेजा जाएगा, जिसके जरिए शासन को खाद्यान्न संबंधित योजना तैयार करने में आसानी होगी और काश्तकारों को भी उनकी मेहनत का दाम अच्छे से मिल पाएगा। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।